सही नफीयत सीमा रेखा बॉडी के बाहर निर्विकेट क्षेत्र में पहला छक्का तो परवींदर के बल्ले से निकलने वाला पर 16 डिजिटल कला लेती गोली पहला छक्का तो बढ़िया बल्लेबाज जैसा नाम उसी प्रकार का काम पहले तो सीमा रेखा बॉडी के बाहर जरूर जाएगी। तो साहिल राइट हाफ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस समय संगलिया की तरफ से अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का पहला ओवर। तो बढ़िया गेंद देखेगा किसी भी तरह गेंद तो दो बॉल और थ्री हिट और एक रन से खाता जरूर खुला इस समय दो रन एक से कन्वर्ट होता हुआ इसको दो रन स्कोर बोर्ड पे और फिर हिट अभिषेक के लिए। तो अभिषेक कितना फायदा उठा पाते इस गेंद का ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल लेगी जी भी पहुंचे उनका भी हार्दिक अभिनंदन। यश भी पहुंचे उनका भी हार्दिक अभिनंदन। तो अभिषेक के पल्ले से निकलने वाला पहला शॉट और बढ़िया क्षेत्र रक्षण। तो इन दोनों से टीम का स्कोर क्या पहुंचा 5 रन बिना किसी नुकसान के समय ओवर नंबर पहला चलता हुआ नलाई संतुल टीम नलाई। तो फिलहाल साई फुलटॉस के इधर सही नसीहत गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए तो रितेश डीजे लगने वाला पहला चौका और स्कोर शीट पे इस समय 9 रन 8 रन। फिलहाल क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे कैच कर पाते हैं नहीं। इन दो रनों के साथ टीम का स्कोर अब 1 अंकों से 2 अंकों में कन्वर्ट होता हुआ 10 रन। ओवर नंबर पहला चलता हुआ साहिद द्वारा तभी जब तक लंबे लंबे हाथ जरूर देखने को मिलेंगे कि जब आज अभिषेक आने वाले सचिन जैसे हर पल मोला खिलाड़ी बढ़िया गेंद ब्लॉक होल में गेंदबाजी और जो गेंदबाज कुछ न कुछ जरूर सीखता है हर किसी गेंद से क्योंकि क्रिकेट के अनुरूप। और फुलटॉस गेंद और सही नसीहत सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए स्कोर जा पहुंचा 14 रन। ओवर नंबर पहला चलता हुआ बिना किसी नुकसान के नलाई सुनील भाई भी पहुंचे उनका भी हार्दिक अभिनंदन। क्रिकेट फिलहाल लंबा छक्का इस समय और टीम का स्कोर है 20 रन 14 से कन्वर्ट होता हुआ तो एक ओवर की समाप्ति पे 20 रन। तो अभिषेक के बल्ले से निकलने वाला पर 16 डिजिटल कला लेफ्ट छक्का और स्कोर बोर्ड पे 20 रन। फिलहाल चले तरुण बढ़िया गेंद कहीं बल्ला कहीं गेंद और कहीं निशाना तो झूलेलाल मस्त कलंदर इस समय चलता हुआ बीच के बीचों भी। तो तरुण जो कि कनिष्ठ प्रमुख सत्यपाल भाई के सुपुत्र बढ़िया गेंद लाजवाब गेंदबाजी एक रन पूरा किया दूसरे रन के लिए तो रन के साथ हल्का सा इजाफा होता हुआ 20 से कन्वर्ट होता हुआ 22। तो योगी भाई आप क्या कहेंगे जहां अजय सचिन अभिषेक के इर्द गिर्द नलाई घूमेगी तो संगलिया परविंदर भाई के कंधों में जरूर रहेगी उनका भी बल्लेबाजी क्रम जब आएगा तो बिल्कुल उनके असला बारूद बिल्कुल तैयार रहेंगे। बिल्कुल गिरीश भाई तो संगलिया घूमेगी करण जैसे युवा बल्लेबाजों के भाई हाथ के उभरता हुआ सितारा संगलिया के लिए और बात की जाए नलाई में भी असला बारूद अभी भी बचा हुआ और उनका परमास्त्र आना बाकी अभी सचिन बोरा संभवता नोएडा के फ्लैट में बैठ चुके आज आज टीम के साथ मौजूद नहीं लेकिन उनकी कमी पूरी करेंगे उनके चाचा आज उम्मीद करते हैं मन्नी मामा आज उतार काटी है तो कितना फायदा तो लगने वाला पहला झटका इस समय अजय आउट होके पवेलियन तो काबिले तारीफ गेंदबाजी इस होनहार खिलाड़ी द्वारा उम्र का तकाजा बिल्कुल नहीं और बिल्कुल सेटिंग लाइन लेंथ पे जहां देखा कि बल्लेबाज गेंद के पीछे भाग रहा है वहीं बिल्कुल पैन लाइन पे गेंद हल्का इस लग के बढ़िया बिक्री था बिल्कुल मन्नी भाई बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी काबिले तारीफ गेंदबाजी जहां पहले ओवर में 20 रन खर्च किए थे और इस ओवर में मात्र 3 रन और महत्वपूर्ण विकेट आउट हो गए पवेलियन मन्नी भाई नहीं बल्लेबाज बिल्कुल क्योंकि जब तक मन्नी भाई रहेंगे या अभिषेक रहेंगे
तब तक नालाई बिल्कुल हावी रहेगी, लेकिन ध्रुव का 21 समय नोएडा फ्लैट में बैठे हुए। बढ़िया गेंद इस बार तरुण के द्वारा, और जब तक गेंद फील्ड होती है दो रन आसानी से, और वहां पे परविंदर भाई ये ढूंढते हुए, लेकिन इसी प्रकार पहुंचे थी दो रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन स्कोर शीट पे इस समय। तो क्वार्टर सेंचुरी पूरी होती हुई, तो जैसे क्वार्टर सेंचुरी का नाम आता है दो चार लोग इधर उधर जरूर देखते हैं कि क्वार्टर कहाँ पे पड़ा होगा। 25 रन तो बिल्कुल क्रीड़ता, क्वार्टर का नाम सुनते ही चेहरे पे रौनक आ जाती है। तो इस समय 25 रन स्कोर शीट पे इस समय बिना एक विकेट के नुकसान पे नलाई। तो इस ओवर के प्रायोजक है रितेश डीजे दुगोली खाल, शादी ब्यावर शुभ अवसरों पे क्षेत्र का नंबर वन डीजे रितेश डीजे दुगोली खाल, साउंड सर्विस 4 बजे, लेकिन मालिक लापता हमेशा की तरह। और पारी के लिए तीसरा ओवर राइट आर्म रावण विकेट गेंदबाजी करम, बढ़िया गेंद, कहीं बल्ला कहीं गेंद कहीं निशाना कहीं कुछ, हर बाकी का धीरे धीरे फील्ड होता हुआ। तो बढ़िया गेंदबाजी, अब तक संघिया की तरफ से पहला ओवर छोड़ दिया जाए तो फिलहाल चले ना रही। बढ़िया गेंद हल्के हाथों से धकेला, इसको जा पहुंचा 26 रन। 27 टीमों ने इस टूर्नामेंट में प्रतिभा किया अब तक, तो कौन बनेगा सरपंच, बड़ा मंच बड़ा पंच, कौन बनेगा सरपंच ये तो फाइनल में पता लगेगा। फिलहाल चले नरेश राइट आर्म राउंड द विकेट, बढ़िया गेंद इस बार चाली तेजी डॉट गेंद, तो बढ़िया गेंदबाजी अब संगलिया के गेंदबाजों के द्वारा, अरुण ने अच्छी वापसी कराई, अजय का बड़ा विकेट झटका, तो आज अजय भाई का बल्ला एक बार फिर से खामोश। चले नरेश खेल जैसे हवा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं जब तक गेंद फील्ड होती है, और दूसरा रन भी आसानी से इन्हीं दो रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन स्कोर बोर्ड पे। तो विजेंदर बोरा जी भी पहुंचे उतड़ा से, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, क्षेत्र में कहीं भी शादी हो जरूर दिखाई देते हैं, तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन विजेंद्र बोरा ग्राम सभा उतड़ा। और स्कोर शीट पे इस समय 28 रन, और एंगल बनाती हुई गेंद ऑफ सबसे बाहर वाइड का इशारा, और स्कोर में हल्का सा इजाफा 28-29 की तरफ गाड़ी चलती हुई अब धीरे धीरे। तो कुछ न कुछ जरूर घटेगा जैसे जैसे आशीष बल्लेबाजी पे आएंगे, लेकिन गेंदबाजी कर अब काफी लाजवाब। तो बढ़िया शॉट मिड ओवर कवर के बीच में से गैप पे धकेला हुआ पे, फिर 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन, और हमारे स्कोरर गजपाल सिंह बगरोड़ी जुड़े हैं मजेड़ा से। तो स्वागत है बुबा जी आपका जय कालिका प्रीमियर लीग 2024 दिगोली में। बढ़िया शॉट हुआ पे, जब तक की गेंद फील्ड होती है एक और दूसरा रन भी पूरा किया, तो एक गेंद और तीसरा रन भी लेना चाहते थे, मनीष मना किया वहां पे अब सिंह ने, 3 रनों के 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। इसको जा पहुंचा 35 रन, ओवर नंबर 3 की समाप्ति, तो 3 ओवरों की समाप्ति में 35 रन स्कोर बोर्ड। इस समय महत्वपूर्ण विकेट बिल्कुल आराम फरमाते हुए अजय भाई, बिल्कुल आराम की सांस। अब सामने होंगे आपसे पूरा दारो मदार अफसे के कंधों में, बढ़िया परिहार स्वामी लेग ऑन के क्षेत्र में, जब तक गेंद फील्ड होती है 1 बाउंस 2 बाउंस और 4 रन, 4 रनों के साथ बढ़ता है स्कोर 39 रन। तो अब वो काम करना होगा नलाई के लिए अफसे को, क्योंकि सोहन बोरा और सचिन बोरा आज अपना बोरा लेके नोएडा फरार। फिलहाल चले बढ़िया गेंद इस बार, अरे होता योगी भाई अगर आप बड़े कप्तान हैं तो बिल्कुल देखिए गेंदबाजी, जैसे कि तेज गेंद पे शॉट लगा उसके बाद स्लो ओवर, तो ये कला हर किसी के पास नहीं होगी, आपके पास जो भंडार है क्रिकेट का उसको पूरा दिखाते हुए समय पर विद्या, और उसके नीचे क्षेत्र रक्षक कैच कर पाते हैं या गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर क्या पहुंचा अब 43 रन, ओवर नंबर 4 चलता हुआ, तो बिल्कुल अगर 80, 90, 100, 120 और अगर एक बल्लेबाज चल गया तो सारा कुछ जरूर घटेगा।
टीम कैप्टन अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क करें। पाड़ागा छक्के की मदद से टीम का स्कोर 49 रन। ओवर नंबर 4 चलता हुआ तो अभिषेक के बल्ले से निकालने वाला रितेश जी के दूसरा छक्का। इस बार बढ़ गया गेंदबाजी, पढ़ने के बाद कभी अंदर कभी बाहर। ओवर आएगा और गेंद सीमा रेखा मोड़ने के बाहर 4 रनों के लिए। तो कांग्रेचुलेशन नलाई 50 पूरी 53 रन स्कोर बोर्ड पे। तो महंगा खर्चीला ओवर इस समय परविंदर द्वारा। लड़ाई के लिए बढ़िया ओवर है। सोहन बोला की कमी जरूर। मनोज स्टार मनोरंजन का संचार चीरिए आपके द्वार, चाहे घर में हो या घर के बाहर, तो जुड़े रहे लगातार यूट्यूब चैनल भी तो मनोज स्टार। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। और अर्जुन भाई भी खुश मुद्रा में आज। तो क्या आज पांचवा ओवर राउंड विकेट गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, जितनी भी गेंदबाजी चाहे तरुण हो नरेश द्वारा, केवल दो गेंदबाज छोड़ दिया जाए तो संख्या के लिए बढ़िया गेंदबाजी। जैसे कि कल देखने को मिला था भंडारा की तरफ से मनोज द्वारा, उसी हिसाब से गेंदबाजी करते हुए इस समय नरेश। और ग्रीन बोर्ड तो लगने वाला दूसरा आघात, तो कुछ न कुछ जरूर घटेगा आज। योगी भाई मन्नी भाई भी आज कुछ नहीं कर पाए, तो मन्नी मामा भी पवेलियन की तरफ। तो अगले बल्लेबाज संजय, तो संजू भाई पे आज पूरा दारोमदार। तो संजय आज का भी पूरा कर पाएंगे सचिन बोरा की, फिलहाल उसके नीचे छूट रख सकते हैं, कर पाते हैं नहीं। फिलहाल एक रन एक से दो तो स्कोर जाप हो जाए, यहाँ से स्कोर में जितनी जापा होता हुआ 55 रन। ओवर नंबर 5 चलता हुआ 2 विकेट के नुकसान पे समय स्पोर्ट्स कलम न लाई। राइट आउट राउंड विकेट खेल दिया है लेग ऑन की तरफ। जब तक ये गेंद होती है एक रन दो रन, और जब तक ये गेंद फील्ड हो आसानी से तीसरा रन भी पूरा कर लिया वहां पे, और गेंद और फील्डर के बीच में वहां पे, और चौथा रन भी आसानी से। इन्हें 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन। तो बढ़िया स्कोर अभी तक अब वापसी कुछ हद तक, और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अभिषेक को देनी जो आप संजू भाई को। कुछ नहीं होता योगी भाई, आप अगर बढ़िया खेलते कलाइयों में जान है तो चाहे ऑफ स्टम्प हो चाहे लेग स्टम्प हो, तो व्हाइट के साथ स्कोर जा पहुंचे 60 रन। आपके कलाइयों में जान होनी चाहिए, और गेंद लेग स्टम्प हो मिडिल ओवर कोई बढ़िया खेलता है तो बिल्कुल कलाइयां बिल्कुल भूलती है। बाएं हाथ दाएं हाथ से कोई गेंदबाजी जरूर होती है, क्योंकि बाएं हाथ का जो गेंदबाज होता है वो हमेशा कोण बना के गेंदबाजी करता है, बड़ा आसान नहीं होता किसी भी बल्लेबाज के लिए। जी गिरीश भाई, तो वो काम करना होगा अब संजय और अभिषेक की जोड़ी को, जो सोन बोरा और सचिन बोरा ने पिछले मुकाबले में किया था लड़ाई के लिए। क्योंकि सचिन बोरा की जरूर कमी खलेगी, क्योंकि 2 ओवर और अगर 5-7 गेंदे खेलते हैं तो 4-5 छक्के जरूर लगा देता वो खिलाड़ी। नलाई को जरूर आज कमी खलेगी सचिन बोरा की। या बल्लेबाजी लाजवाब सचिन बोरा। फिलहाल चले नरेश, बढ़िया गेंद इस बार। ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवरों की समाप्ति में 60 रन 2 विकेट के नुकसान पे इस समय। क्या कुछ जरूर घटेगा, फिलहाल चले तरुण, बढ़िया गेंद और बढ़िया क्षेत्र सफलता, लेकिन खेतों में आसान नहीं होगा। और सभी खिलाड़ियों से आग्रह कि अपने शरीर का जरूर ध्यान दें, क्रिकेट खेले जाएंगे हार जीत लगी रहती है, तो इन दोनों की मदद से टीम का स्कोर 65 रन। ओवर नंबर 6 चलता हुआ अगर 100 रन के इर्द गिर्द रहेगी और एक आध लेफ्ट हैंडर का बल्ला चलेगा तो आसान नहीं है नलाई को रोकना भी। तो बढ़िया शॉट, तो स्कोर जा पहुंचा 68 रन। तो अभिषेक के बल्ले से निकलने वाला रितेश जीजे चौथा छक्का और टीम का स्कोर 68। तो अब अभिषेक ने भी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया है, तो पटेजी के नाम से मशहूर, तो अब मंत्र जरूर पढ़ेंगे अंतिम ओवर में। फिलहाल चले तरुण, बढ़िया गेंद चुटा दिया है सीधा सड़कता छोरा, स्कोर जा पहुंचा 74 रन। अभी भी ओवर नंबर 6 चलता हुआ और 74 रन, तो अभिषेक का बल्ला इस समय ऐसा जैसे तोप के बारूद से भी भयंकर चलता हुआ।
चले तरुण एक और बैट फूट से स्क्वायर के ऊपर से एक और गगन चुंबी तो स्कोर क्या पहुंचा 80 रन। छठा ओवर अभी भी प्रगति पर, तो इस ओवर में जितनी भी हल्की सी भी बाएं हाथ के बल्लेबाज को गेंद दिखेगी तो सब बाउंड्री लाइन के बाहर जानी है। तरुण एक और खेल दिया इसे चूके संगली अपने पास भी दो तीन बल्लेबाज जैसे कि मैच का पासा पलट सकते हैं। फिलहाल इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर जहां पहुंचा 86 रन। तो खर्चीला ओवर इस उड़ रही है गेंद मच रहा हल्ला। ओवर की समाप्ति ओवर तो 6 ओवरों की समाप्ति पे 80 रन। तो काफी खर्चीला ओवर इस समय तरुण द्वारा क्योंकि लेट आएंगे तो ऐसे ही होगा। और क्लीन बोल्ड में बता दूं बल्लेबाजी भी आएगी तो सौरभ कुछ ना कुछ जरूर करेंगे जरूर क्योंकि नाम ही उनका सौरभ। संगल लीजिए योगेश भाई ले सकते हैं बिल्कुल गिरीश भाई। जब आपका बल्लेबाज इतनी अच्छी फॉर्म में हो तो आपको ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक उस बल्लेबाज को दो जिसके फॉर्म लाजवाब। और अभिषेक का फॉर्म तो ऐसे चलता हुआ कि बिल्कुल नलाई से मंत्र पढ़ के सीधे दी गोली पहुंच जा रहे हो पता ही नहीं चल रहा है। फिलहाल बढ़िया शॉट फेंकेला किसी भी तरह लेफ्ट साइड की तरफ एक रन पूरा किया दूसरे रन के लिए तो दो रनों को मदद से टीम का स्कोर 88। ओवर नंबर 6 चलता हुआ और स्कोर 88। अच्छा इसके बाद अंतिम ओवर आना अभी बाकी तो अभी तक बढ़िया गेंदबाजी सौरभ के द्वारा। तो चले सौरभ राइट आर्म ओवर द विकेट बढ़िया गेंद हवा में और बढ़िया गेंद स्टाइल के द्वारा लाजवाब। तो ऐसे गेंदबाज को जब आप छुपा के रखेंगे तो स्कोर बोर्ड दंदनाता जरूर रहेगा और संभवतः लेट पहुंचे थे सौरभ। तो सौरभ भाई की नींद काफी लेट खुलती हुए थे और सीमा रेखा को भेद पाते हैं या गेंदबाज बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी। तो सौरभ को पहले लाना चाहिए था आपने लेकिन सौरभ को लाते लाते आपने बहुत देर कर दी होगी भाई क्योंकि अब एक ही ओवर डाल पाएंगे वो इसके बाद अंतिम ओवर पूरा पार के लिए अंतिम सामने होंगे। अब जी बढ़िया शॉट फिलिप कर दिया है लेग स्क्वायर का ऊपर से गगन चुंबी 6 रन इसी 6 रन के साथ बताओ स्कोर 94 रन और बाकी बल्लेबाजों ने ये काम नहीं किया ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अभिषेक को देनी चाहिए थी बीच के ओवरों में भी। फिलहाल चले साहिल राइट आर्म ओवर विकेट सामने होंगे आपसे फिलहाल और एक शॉट खेल दिया वहां पे बढ़िया बढ़िया पढ़ता हुआ इस बार चौके के साथ 98 रन। तो 100 का आंकड़ा जरूर पूरा करेगी कलाई आंकड़ा तो जरूर करेगी लेकिन आज थोड़ा दिक्कतें जरूर होगी ना लाइक को भी कुछ सचिन बोरा ना ला रहा है साहिल बढ़िया गेंद इस बाहर बढ़िया वापसी गुड लेंथ के बढ़िया वापसी साहिल के द्वारा। तो कितना रन स्कोर बनाएगी गिरी भाई ना लाइक कल अपने लाइक दो गेंदे हैं 104 105 ज्यादा 110 लेकिन आसान नहीं होगा क्योंकि संगलिया के पास विस्फोटक बल्लेबाज 104 स्कोर बोर्ड पे इस समय छक्के की मदद से 104। तो कंग्रेचुलेशन नलाई 100 पूरे 104 रन ढेर सारी शुभकामनाएं नलाई कलम नलाई। तो अंतिम गेंद पे क्या छक्का लगा पाएंगे अभिषेक बढ़िया बल्लेबाजी माफ करना दो गेंदे बची है अभी भी फिलहाल चले साहिल बढ़िया गेंद वहां पे भारी किनारा जब तक गेंद फील्ड होती है दो रन जरूर लेना चाहिए वहां पर जी और दूसरा रन भी पूरा दिया है इन्हीं दो रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। सही नसीहत सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर वीर विकेट क्षेत्र में पहला छक्का तो परवीतर के बल्ले से निकलने वाला परसोला डिजिटल कला ने दी गोली पहला छक्का।
तो बढ़िया बल्लेबाज जैसा नाम उसी प्रकार का काम, पहले ही गेंद में लाजवाब बल्लेबाजी। तो आज सचिन बोरा की कमी जरूर खलेगी नलायक को। तो इस साथ के जवाब में पहला पारू वाइड गेंद इस फिर जा पहुंचा सात रन। रैसी गेंदबाजी रहेगी योगी भाई तो पांच छह ओवर में भी ये मुकाबला जा सकता है। तो क्रिकेट अनिश्चितता का खेल, क्रिश भाई कुछ भी कहना असंभव। कल भी देखने को मिला चोरगढ़ जैसी टीम बाहर हो गई, इस क्षेत्र में सबसे लाजवाब थी। और जबकि रन स्कोर भी बिल्कुल नो बॉल थ्री हिट स्कोर बोर्ड पे आठ रन और सही निर्णय। गेंद अगर पिच के बाहर होती है तो नो बॉल, क्योंकि आईसीसी के बड़े नियम कड़े नियम। तो इसके बाद तैयार रहे जयकालनी का कलब दिगोली बाड़ागाट। तो आज सचिन बोरा की कमी जरूर खलेगी, फिलहाल वो कार्य करना होगा आज संजय को। फिलहाल चले संजय बढ़िया गेंद काफी लंबा गगन चुंबी इशारा स्कोर जा पहुंचा चौथे रन। बढ़िया बल्लेबाजी योगी भाई, लगातार इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा टूर्नामेंट हम लोग खेलते हैं। हर लोग कहते हैं कॉमेंट्री बॉक्स से ऐसे बोलते हैं कि खिलाड़ी बढ़िया खेलता है, जो बढ़िया खेलता है उसके लिए बोला जाता है। तो बढ़िया लाजवाब इस समय जहां पहले ओवर में 20 रन खर्च किए थे साहिल ने उसका जवाब और सीमारे का बाउंड्री के बाहर छह रनों के लिए। तो टीम का स्कोर जहां पहुंचा 20 रन। तो काबिले तारीफ बल्लेबाजी योगी भाई, तो पुरानी धार देखने को मिली आज परविंदर के बल्लेबाजी में, क्योंकि पुराना चावल जितना होगा स्वाद उतना बढ़िया होगा। इन्होंने भी मांड खूब किया है परविंदर भाई ने, क्योंकि वो पढ़ाते ही नाला में है इस समय और वहाँ बिल्कुल धान की खेती होती है। फिलहाल बढ़िया गेंद और बढ़िया शोर 36 रन स्कोर बोर्ड पे इस समय। लाजवाब बल्लेबाजी नो गेंद थ्री हिट 27 रन स्कोर बोर्ड पे। तो जितनी गेंदे होगी होगी भाई चाहे तप आएगी स्लोर रन और फुलटोस आएगी तो सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर दिखेगी। तो आज जरूर सरदर्द नलाई के खेमे में, क्योंकि जब सचिन बोरा नहीं होगा तो विपक्षी का छक्कों का बोरा जरूर खुलेगा। बिल्कुल बात सा दिखाई देगी। बढ़िया गेंद ब्लो खोल में गेंदबाजी और बढ़िया क्षेत्र रक्षण बाजी भाई द्वारा। रवि भी स्कोर शीट में इस समय 27 रन। तो काफी महत्वपूर्ण पहला ओवर दोनों टीमों के लिए, जहां पहले ओवर में 20 रन खर्च किए थे साहिल ने तो वही संजय ने भी 27। तू चल मैं तेरे से थोड़ा सा आगे जरूर। फिलहाल चले संजय राइट आर्म राउंड विकेट। बढ़िया गेंद इस बार भारी किनारा, जब तक गेंद फील्ड हो गया था एक रन और दूसरा रन भी चुराया। दो रनों के साथ बताओ इसको 29 रन। तो पहला ओवर अभी भी प्रगति पर और 29 रन टक चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। मनोज शाह मनोरंजन का संचार सीधे आपके द्वार, चाहे आप मल्लखंड हो या मल्लखंड के बाहर तो जुड़े रहे लगातार विद यूट्यूब चैनल मनोज शाह। ओवर नंबर पहला चलता हुआ 29 रन स्कोर बोर्ड पे, बिना किसी नुकसान के संग लिया। सही नसीहत फुलटोस के, लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा पाए। अगर लेग स्टंप अगर ऑफ स्टंप पे बल्ला चलता तो एक ओवर की समाप्ति पे 30 रन संग लिया, जहां पहले ओवर में 20 रन खर्च किए थे साहिल ने और वही संजय ने 30 रन। तो कुछ ना कुछ जरूर घटेगा। तो अब दूसरे अनुभवी के बाद अजय, तो दोनों अनुभवी, एक तो अनुभवी काफी महंगा पड़ा आज। क्या अजय अब भारत की तरफ गए हैं? भारत सिंह देगी बढ़िया गेंदबाज है ये बिना लाइक के लिए, तो आज कार्य करना होगा दुर्लभ कार्य लेकिन मुश्किल नहीं। लेकिन सफलता बल्लेबाज जब हावी हो जाता है योगी भाई, अगर पहले ओवर में गेंदबाज हावी रहेगा हर गेंदबाज हावी रहेगा और बल्लेबाज रहेगा तब बल्लेबाज। लेकिन भारत सिंह इनने भी पुराने चावलों को मांड जो होता है काफी दिया है भंडार इनके पास भी। गिरीश भाई नलाई और बलासी बढ़िया डायलॉग, केवल जेल जी साहब नले फलश जी बिल्कुल जेल मार साहब नले फलश, लेकिन अभी छक्का लेकिन फिर गेंद से गगन चुंबी शरण। तो उसको जा पहुंचा 36 रन। अगर ऐसी फुलटोस गेंद आएंगी तो संभवतः 5 या 6 ओवर में मुकाबला
तो परमिंदर को जल्दी से जल्दी पवेलियन भेजना होगा। एक और गगन चुंबे छोरा तो 42 रन स्कोर बोर्ड पे। तो परमिंदर के बल्ले से बिल्कुल दोस्त के जैसे गोले फेंकते थे गोले चलते हुए। तो 42 रन ओवर नंबर अभी भी दूसरा चलता हुआ। बिल्कुल दबाव में गेंदबाजी दिखाई दे रही है वहां पे मिलाई कर मिलाई की राजे भारत राइट ऑफ ओवर में सामने होंगे परमिंदर भैया गेंद एक बार फिर से खेल दिया है अपार का नींद आना शेष छक्के की मदद से टीम का स्कोर जहां पहुंचा 48 रन। लाजवाब बल्लेबाजी परमिंदर द्वारा समाप्त 6-7 छक्के तो लगी चुके हैं। तो अगर कोई भी दर्शक बॉडी लाइन के बाहर एक हाथ से कैच पकड़ता है तो 100 रुपए का नगद पुरस्कार समिति की तरफ से। तो संभवतः बाउंड्री पे खड़ा रहना पड़ेगा दिहाड़ी जरूर बन जाएगी आज जी बिल्कुल गिरीता कम से कम 5-6-7 आदमी लगा दे आज चले भारत एक और बढ़िया शॉट इनसाइड आउट खेला गया अंपायर का निर्णय 6 रन तो लाजवाब शॉट। कंग्रेचुलेशन संगलिया 50 पूरी 52 रन स्कोर बोर्ड पे और संभवतः इन 52 रन में 50 रन जरूर और 50 के इर्द गिर्द बढ़िया गेंद इस बार। तो 2 ओवरों की समाप्ति पे 52 रन जहां दूसरे ओवर में तरुण ने वापसी की थी लेकिन संजय ने 22 रन लगभग खर्च कर दिए। अगले गेंदबाज संभवतः आज वो काम करना होगा अपना अनुभव जरूर शेयर करेंगे और फायदा उठाएंगे मेरा के लिए क्या हुआ। फिलहाल बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज पहली बार 2 ओवर में पहली बार तीसरे ओवर में मौका मिला इस खिलाड़ी को प्रियांशु को। तो फिलहाल अजय चले प्रियांशु फिलहाल धकेला किसी भी तरह की सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए सुई छक्के की मदद से टीम का स्कोर 58 रन। तो इस समय योगी भाई हर बल्लेबाज यही चाहता है कि केवल छक्के से रन बनेंगे तो छक्कों में डील कर रहे हैं फिलहाल संगलिया के बल्लेबाज वाबे दौड़ के करार दी तो 1-2 विकेट छटकने होंगे वहां पे संगलिया के। तो अजय भाई को संभवतः पहला या दूसरा ओवर में जरूर आना चाहिए था क्योंकि अजय भाई भंडारे इनके पास भी क्रिकेट का बढ़िया गेंद ब्लॉक होल में गेंदबाजी। तो पहला या दूसरा ओवर बनता था अजय भाई का एज ए कप्तान मेरी अपनी राय बाकी हर कप्तान की अपनी राय होती है बाहर से हर कोई बोलता है लेकिन पिच का प्रेशर कोई कप्तान नहीं झेल पाता। बिल्कुल गिरीश भाई बड़े खिलाड़ी है अजय और काफी टूर्नामेंट खेले हैं तो जो बड़ा टूर्नामेंट खेला है उसमें प्रेशर झेलने का एक अपना ही फिलहाल अजय अगर ये वापसी करानी है नलायक को तो जल्दी से जल्दी 2-3 झटके देने होंगे संगलिया को लेकिन स्कोर बोर्ड 58 रन ओवर नंबर 3 चलता हुआ। अगर गेंदबाज वापसी करेगा तो विकेट सही नसीहत अगर फुल टॉस गेंद मिलेगी तो बल्लेबाज ऐसे प्रहार करेगा सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए तो स्कोर जा पहुंचा 62 रन। तो फिलहाल अर्जुन भाई लेग अंपायर का काम करते हैं खाली बस चौका और छक्का तो आज फील्डिंग का काम नहीं मिलता हुआ बिल्कुल भी बिल्कुल ठान व्हाइट करार व्हाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन। तो अगर नलाई को वापसी करनी है तो परमिंदर भाई को जल्दी से जल्दी टकआउट में भेजना होगा। फिलहाल चलेगा जी बढ़िया गेंद इस बार कोई भी अभी तक 3 ओवर की समाप्ति में 63 रन बिना किसी नुकसान के संग लिया लेकिन बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज जरूर लेकिन वो झलक देखने को नहीं मिली इस बल्लेबाज द्वारा क्योंकि जो बाएं हाथ का बल्लेबाज होता है चाहे गेंदबाज होता है लाजवाब कलाइया होती है घूमती ऐसी है अपनी किरणें बिखेरी है आज सूरज को अपनी किरणें बिखेरनी होगी। फिलहाल वाइड गेंद तो 64 रन तो ऐसे रन अतिरिक्त बचाने होंगे और जब किस्मत खराब होती है
मेरी आवाज सुन रहे हो तो कॉमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। अनमोल भाई पलाती थे बढ़िया ऑलराउंडर फील्ड होती है और तीसरा रन भी चुरा लिया तो आज कुछ भी सही नहीं घटता हुआ निर्णय के लिए। भाई किस ओर जा रहा है मुकाबला? फिलहाल तो इस समय जो पलड़ा भारी है वो है संगलिया का, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। मात्र यहाँ से 40 रनों की और आवश्यकता। ओवर नंबर 4 चलता हुआ दो गेंदें हुई है शायद एक ही हूँ फिलहाल। अब बाएं हाथ के खप्पू बल्लेबाज कुछ जोहर दिखा पाएंगे, भंडारे उनके पास अनुभव का वो दिखा पाते हैं। धकेला किसी भी तरह उसके नीचे क्षेत्र रख सक और कैच जरूर छूटेंगे आज क्योंकि किस्मत आज बिल्कुल उनके साथ नहीं, आज नलाई के साथ। तो इन दो रनों की मदद से टीम का स्कोर 69 रन। लेकिन बाएं हाथ के खप्पू बल्लेबाज जरूर भेजा संगलिया ने, लेकिन वो कलाइयां देखने को नहीं मिली क्योंकि जो बाएं हाथ के बल्लेबाज में जो एंगल बनता है बिल्कुल बल्ला ऐसे चलता है तो नहीं भागता हुआ अभी तक बल्लेबाज का। तो फिलहाल चले गेंदबाज और ऐसे मौके दोगे तो बल्लेबाज जरूर हावी रहेगा। 69 रन स्कोर बोर्ड पे चौथा ओवर प्रगति पर। तो बढ़िया गेंदबाजी की थी अजय ने, पिछले ओवर में मात्र 6-7 रन खर्च किए थे तो उससे थोड़ा सा प्रेशर में इस समय। अब जब तक परविंदर मैदान में संगलिया हावी रहेगा और जैसे परविंदर का विकेट होगा नलाई हावी हो जाएगा। इस ओवर में काफी चांस बने हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं किया हुआ स्पिनर हो रहे हैं। आधा पौने घंटे का रास्ता चले सूरत राइट आर्म ओवर विकेट। इस बार बढ़िया गेंद गुड नेट के वाइट के मांगने की नकारा अनुभवी अंपायर गौरव ने। तो अगला मुकाबला संभव था दोनों अंपायरों का। फिलहाल चले सूरज राइट आर्म ओवर विकेट भटकी गेंद फाइनल के प्रति। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 76 रन। तो कुछ नए जरूर पकड़नी होगी बाएं हाथ के बल्लेबाज को, अन्यथा अगर जो बड़े मुकाबले खेले जाएंगे जब तीसरे राउंड में प्रवेश करेगी टीम वहां ऐसी गेंदें मिलने वाली नहीं, ऐसी टीमें नहीं मिलेंगी कि अगर विकेट निकालते हैं तो नलाई हावी रहेगी अन्यथा नलाई बिल्कुल मोटरसाइकिल की स्पीड आज 300 से ऊपर जरूर रहेगी। बढ़िया गेंद चतराई भरी गेंदबाजी, कभी स्लो रन कभी तेज गति की गेंदबाजी और पड़ने के बाद तो बिल्कुल गति सीधे। अगर तेज गेंदबाज जो होता है एक टप्पे में अगर विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद रहती है तो सबसे बड़े गेंदबाज। तो स्कोर जहां पहुंचा 82-76 से कन्वर्ट होता हुआ। तो परमोद परविंदर भाई की 50 कप की हो चुकी है, मैं जब 2-3 ही ओवर हुए थे अब तो 5वां ओवर चल रहा है। तो 82 रन तो परविंदर द्वारा लगातार बढ़िया बल्लेबाजी जितनी तारीफ उतना कम। उसके नीचे गेंद सीमा रेखा बॉडी की तरफ अभी भी 4 रनों के लिए तो 86 रन। तो सब कुछ सही घटता हुआ आज संगलिया के लिए और नलाई के लिए कुछ भी सही नहीं घटता हुआ आज। घटेगा कहां से आपका परमास्त्र सीधे घर की तरफ सचिन बोरा। तो आज अजय ओवर डालना चाहिए रकेश भाई क्योंकि सबसे बढ़िया खिलाड़ी और एक ओवर गेंद चुटा दिया है सिराव बीड़ा की तरफ। पहुंचा 92 रन अभी भी ओवर नंबर 5 चलता हुआ 92 रन यहां से मात्र 15 रनों की ओर आवश्यकता। तो एक तरफा कर दिया है इस मुकाबले को परविंदर भाई ने अपनी बल्लेबाजी से। चले एक ओवर बैक फुट पंच हवा में खेला गया था और सीधा 6 रन। तो 98 रन अब यहां से मात्र 9 रनों की और आवश्यकता। तो बढ़िया बल्लेबाजी परविंदर द्वारा जितनी तारीफ उतरा का क्षेत्र में लगातार टूर्नामेंट होते चाहे पापो थैली सेंड बैजरो हवा देवी हो गोली खालो पैश या सल्ट सभी जगह प्रतिभा करते हैं। और एक और हेलीकॉप्टर तो कंग्रेचुलेशन। इन 7 रन की मदद से टीम का स्कोर 105 रन तो मात्र 2 रनों की और आवश्यकता। इस प्रकार की गेंदबाजी की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी अजय और संजय से नलाई ने और हमने भी।
लेकिन काफी जल्दी संभवतः छुट्टी खत्म, तो मुकाबला जल्दी खत्म करना चाहते संजय और अजय। ये फेर खेल दिया है हवा में और इसी के साथ विजय हुआ पे। तो बढ़िया बल्लेबाजी, कंग्रेचुलेशन, तो अपना मैन ऑफ द मैच दे ले परवेंदर। बारागढ़ को हार की गोली।